2017 की तुलना में आपको इस बार के चुनाव थोड़े से डल नजर आ रहे हैं। आप अहमद पटेल जब थे तो जितने भी धड़े थे कांग्रेस के सबको जोड़ते थे। जवाहर चावड़ा को लेकर कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नेता तो दूसरी बात कार्यकर्ता सोच नहीं सकता था कि जवाहर भाई जा सकते हैं। राहुल गांधी जब द्वारका आए थे तो वो सामने से बोलते थे कि जिनको जाना है वो जाए, 20-25 लोग भी रहते हैं तो काफ़ी है। आम आदमी पार्टी प्रयास जरूर कर रही है और प्रयास आज से नहीं, जब कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे और सूरत में 120 में से 27 बैठक मिली तब से शुरू हो गए। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया और मेरे साथ हैं एबीपी अस्मिता के संपादक और गुजरात की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले रौनक पटेल। रौनक पटेल से आज हम गुजरात की इस चुनावी राजनीति को समझेंगे, उस गणित को समझेंगे, जो गणित इस राज्य में सरकार में कौन बैठेगा मुख्यमंत्री के पद पर, कौन सा राजनीतिक दल अपना खम्भ एक बार फिर से यहाँ पर गाड़ेगा, उस पर हम गहराई से बात करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। रौनक पटेल साहब, आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा ये है कि इस बार गुजरात एकदम शांत है, वोटर खुलकर नहीं बोल रहा है। 2017 के चुनाव की बात करें तो वोटर एकदम वोकल था, वो अपनी पसंद नापसंद सब कुछ बता रहा था, इस बार इतना मौन क्यों है? देखिए, वैसे तो गुजरात की पहचान ही शांति है और गुजरात के लोग शांति में बिलीव करते हैं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं आपने 2017 कवर किया है, 2017 का चुनाव देखा है। 2017 का असेंबली चुनाव और इस बार के चुनाव में काफ़ी फर्क उसके लिए है कि जो 2017 के जो चुनाव हुए थे वो पाटीदार आरक्षण आंदोलन के ठीक बाद हुए थे और हार्दिक पटेल सहित जितने भी पास के जो लीडर्स थे वो भले ही कांग्रेस में जुड़े नहीं थे लेकिन कांग्रेस के लिए काम करते थे, तो उनकी सभाएं होती थी, रैली होती थी, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव होते थे, सरकार के खिलाफ दुनिया भर की बातें करते थे और क्योंकि उनका बैकिंग था तो कांग्रेस साथ में मजबूत दिख रहा था और शायद वो मजबूताई के चल के जितनी भी सभाएं होती थी वहाँ भीड़ भी देखने को मिलती थी, दुनिया भर के बयान भी आते थे, अनाप शनाप बयानबाजी भी होती थी तो बयानों को लेकर चर्चा भी होती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में वो चीज़ नहीं, पास के कई नेता कांग्रेस में गए, कांग्रेस में से निकल भी गए और एक सबसे बड़ी वजह है कि 2017 की तुलना में आपको इस बार के चुनाव थोड़े से डल नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि गुजरात का मतदाता बोल नहीं रहा, वोकल नहीं। पिछली बार जो बोल रहे थे क्योंकि ये सब होता था उसके लिए बोलते नज़र आ रहे थे, लेकिन ये जरूर है कि गुजरात का मतदाता राजनीति को काफ़ी अच्छे से समझता है, राजकीय गणित को समझता है, गुजरात की ज़रूरतों को समझता है, गुजरात के डेवलपमेंट को देखता भी है, गुजरात में अभी भी क्या कमी रह गई वो भी जानता है। तो जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं, कैमरे पे लोग कम बोलते होंगे लेकिन कहीं पर भी चौराहे पे जाते हैं, कहीं पे मार्केट में जाते हैं तो लोग चुनाव की बातें ज़रूर करते हैं, शायद पिछली बार की तुलना से भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो आवाज़ उठती थी सरकार के खिलाफ वो आवाज़ इस बार नहीं है, उसके लिए हम लोगों को लग रहा है कि गुजरात का जो चुनाव है वो डल है। तो क्या आवाज़ नहीं उठना ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है या विपक्ष के पूरी तरह से खत्म होने की शुरुआत है? देखिए, विपक्ष गुजरात में ख़त्म हो चुका है। 2017 में सिर्फ 99 सीटें थी विपक्ष के, पहली बार गुजरात में इतना स्ट्रांग विपक्ष था, उसके बाद विपक्ष को बीजेपी ने तोड़ दिया, या तो कहे कि विपक्षी विधायक खुद टूटकर बीजेपी में चले गए। ये वजह रही कि विपक्ष वैसे भी टूटना शुरू हो चुका था और उसकी इफेक्ट जो है वो कांग्रेस पर सीधी नज़र आती थी क्योंकि गुजरात में कांग्रेस ही विपक्ष हुआ करता है। साथ में ही कांग्रेस खुद वीक हो गई क्योंकि अहमद पटेल नहीं रहे। अहमद पटेल जब थे तो जितने भी धड़े थे कांग्रेस के सबको जोड़ते थे। अहमद पटेल गए, उनके तुरंत बाद राजीव सातव जो काफ़ी कूल माने जाते थे, लेकिन अहमद पटेल के साथ तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन सबको एक साथ लेने का प्रयास भी करते थे, कांग्रेस को जिंदा रखते थे, एक्टिव रखते थे। लेकिन ये दोनों जाने के बाद कांग्रेस काफ़ी हद तक मूर्छित हो गई और मूर्छित होने के साथ साथ क्योंकि खुद के MLA चले गए और यही वजह है कि कांग्रेस उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। कांग्रेस समझ नहीं पाई कि खुद के वो लोग, समझ लो जवाहर चावड़ा, तो उनके फादर कांग्रेस के MLA हुआ करते थे, जवाहर चावड़ा को लेकर कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नेता तो दूसरी बात कार्यकर्ता सोच नहीं सकता था कि जवाहर भाई जा सकते हैं, तो ये सब लोग गए तो वैसे भी विपक्ष वीक था और क्योंकि सरकार के खिलाफ की जो आवाज़ थी वो सरकार के साथ बैठ गई, बीजेपी में शामिल हो गए और काफ़ी सभी यूथ थे, एग्रेसिव थे, तो कांग्रेस से वो एग्रेशन निकल गया और यही वजह कि कांग्रेस पूरे तौर पे मूर्छित नजर आ। आप कह रहे हैं मूर्छित हो गई है कांग्रेस, क्या इस मूर्छा की वजह है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो
यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से प्रचार नहीं कर रही है, पूरी ताकत से लड़ती हुई नहीं दिख रही है, या फिर ये कांग्रेस की कोई रणनीति है? देखिए, कांग्रेस की रणनीति होती तो 2017 में ये लोग चुनाव जीत गए थे, कांग्रेस अच्छी रणनीति बनाती थी। सच्चाई ये कि सिक्के की दोनों साइड है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो गुजरात को हर हमेशा शायद गुजरात कांग्रेस को नज़रअंदाज करता रहा। गुजरात की छोटी असेंबली 182 की है, यूपी से आधी है, फिर भी आप गुजरात में देखेंगे तो 50 से नीचे कभी भी कांग्रेस नहीं गई। लेकिन गुजरात को कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया है। यही वजह है कि गुजरात के जो भी लीडर्स हैं, बहुत कम लीडर्स ऐसे होते थे जो गुजरात की बात केंद्रीय नेतृत्व तक लेके जाते थे, वो लीडर्स बहुत कम थे। और अहमद भाई सबसे बड़ा चेहरा था, अहमद भाई के पास बात जाती थी तो अपने आप हाईकमांड तक पहुंच जाती थी, क्योंकि गुजरात कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस के लीडर्स के लिए अहमद भाई लीडर हाईकमांड थे। साथ में जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा निकली, ठीक गुजरात के बगल से महाराष्ट्र में होती हुई निकलती है लेकिन गुजरात में नहीं आती। गुजरात कांग्रेस के लीडर्स को कहना पड़ता है कि हमने राहुल जी को विनती किया, उसके चल के वो यहाँ आए। तो वैसे पता चलता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो गुजरात को सीरियसली पहले से इस चुनाव को सीरियसली नहीं लिया है। यही वजह रही कि इतने लोग जाते रहे तो उनको रोका भी नहीं गया। खुद राहुल गांधी जब द्वारका आए थे तो वो सामने से बोलते थे कि जिनको जाना है वो जाए, 20-25 लोग भी रहते हैं तो काफ़ी है। तो वहीं से नज़र आ रहा था कि कांग्रेस जो है 2017 में, खास करके जो राष्ट्रीय कांग्रेस है AICC, वो इतनी सीरियस नहीं है। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सीरियस नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा ऐसी चुनावी सभा में कि कांग्रेस जो है वो रणनीति बदल चुकी है, BJP को सावधान रहना होगा, वो घर घर जाकर अपना प्रचार कर रही है, शोर कम मचा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री के पास दुनिया भर के इनपुट्स आते हैं और ये इनपुट्स पूर्णतः रूप से सही उसके लिए कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो जुझारू विधायक हैं, जो लोग लड़ना जानते हैं, क्योंकि वो पिछले चुनाव भी पार्टी संगठन के बलबूतों पर नहीं जीते थे, वो खुद के बलबूतों पर जीते थे, ऐसे कई लीडर्स, वो लीडर्स ग्रुप मीटिंग करते हैं, घर घर जाते हैं, बड़ी सभा नहीं करते हैं, क्योंकि सभा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए या तो जो संगठन शक्ति चाहिए, वो संगठन गुजरात कांग्रेस के पास रहा नहीं। तो जो विधायक जो है वो खुद डेफिनेटली प्रचार कर रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले एक साल से उनको मालूम था कि अगला चुनाव जो है वो हमें खुद लड़ना है, भले हमें निशानी कांग्रेस की मिल रही है लेकिन लड़ना खुद है। यही वजह रही कि चाहे नॉर्थ हो साउथ, खास करके नॉर्थ और सौराष्ट्र, वहाँ के जो कांग्रेस के स्ट्रांग विधायक हैं वो खुद मेहनत करते रहे। जो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि लोग घर घर जा रहे हैं, छुप के प्रचार कर रहे हैं, वो जो प्रचार था वो कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे थे, कांग्रेस के विधायक और उनके लोग कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मूर्छित हो गई है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, तो इस कमज़ोरी का फ़ायदा कौन उठाएगा, BJP उठाएगी या आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी प्रयास जरूर कर रही है, और प्रयास आज से नहीं, जब कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे और सूरत में 120 में से 27 बैठक मिली तब से शुरू हो गए थे, क्योंकि तब कांग्रेस जीरो हो गई। तो सीधे तौर पर सूरत मॉडल को देखा जाए तो सीधा खामियाजा कांग्रेस को है। कहा यह गया कि सूरत में BJP को क्लीन स्वीप नज़र आ रही थी 120 में से 120, लेकिन 27 आम आदमी पार्टी जीत चुकी, जबकि बाकी के जो कॉरपोरेशन थे वहाँ BJP क्लीन स्वीप करके गई, तो BJP के लिए वो झटका था। लेकिन वहाँ BJP की सीटें जो है वो बढ़ी थी, बैठकें बढ़ी थी, लेकिन उसके तुरंत बाद गांधीनगर कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, 11 वार्ड थे, 44 सीट थी, वहाँ पर कभी भी BJP अपने बलबूतों पर कॉरपोरेशन बना नहीं पाती थी, जीत नहीं पाती थी, कांग्रेस के पार्षदों को तोड़कर बनाती थी। लेकिन पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड प्रचार किया कॉरपोरेशन में, क्योंकि सूरत से अच्छे नतीजे मिले थे, गांधीनगर में अच्छा प्रचार किया तो 22% वार्ड सीट जरूर लेकर गई। कॉरपोरेशन की 2 बैठकें उनको मिली, कांग्रेस को एक ही मिली, फायदा BJP को जबरदस्त मिला, 41 तक वो पहुंच गए जो 20-22 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे। तो दोनों मॉडल को देखा जाए तो पहली नज़र में लगता है कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है, BJP को फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्वाभाविक तौर पर BJP को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ गुजरात में कहा जाता है कि कांग्रेस के जो भी विधायक होते हैं वो एक तो सुलझे हुए तो ही, असेंबली सेशन जब होता है तो हम लोग मार्क करते हैं कि कुछ मुद्दे जब बातें आती तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं,
अब कॉम्प्रोमाइज़ कभी प्रदेश के हित में भी होता है, कभी पार्टी के हित में होता है, किसी इंडिविजुअल के हित में भी होता है, जो आम आदमी पार्टी में देखने को नहीं मिला है। सूरत कॉरपोरेशन में आप देखिए, गुजरात के इतिहास में कभी भी तालुका पंचायत हो, तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, कॉरपोरेशन हो या असेंबली हो, कभी भी रात भर प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। सूरत के सिर्फ 27 कॉरपोरेटर थे, लेकिन अपने मुद्दे को लेकर रात भर वहाँ की जब बोर्ड मीटिंग थी तो रात भर वहाँ सोते रहे, दूसरे दिन शाम तक सोते रहे, जब तक पुलिस उठाकर लेके नहीं गई। तो वो जो चीज़ है, और शायद बीजेपी को यही बड़ी परेशानी है कि एक बार आम आदमी पार्टी के कुछ लोग असेंबली तक पहुँच गए तो आगे जाके परेशान करते। गुजरात में विकास में एक कहावत है, कोई बुजुर्ग है, एजेड है, उसकी मौत होती है तो उसका दर्द होता है, लेकिन ये कहते हैं गुजराती में कि कोई बुजुर्ग मरे उसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन जम घर जोड़ी जाए ये योग्य नहीं। यानी कि यमदूत जो है वो घर नहीं देखना चाहिए, एक बार घर देख लिया तो आगे जाके परेशान करेगा। तो मतलब आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए यमदूत बन सकती है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए बन जाएगी, जो दिल्ली में हुआ और जो पंजाब में हुआ। लेकिन क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी जो वोट शेयर हासिल कर रही है वो सीटों में तब्दील हो पाएगा? जो चुनाव प्रचार उसका आज से एक महीने पहले दिख रहा था, अब वो खनक और धमक ज़मीन पर क्यों नहीं है? देखिए विकास भाई, एक महीने नहीं, पिछले 6-4 महीने से मैं देख रहा हूँ अरविंद केजरीवाल। मैंने दिल्ली से आती हुई फीड नहीं देखी अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली की रैली नहीं देखी इतनी अरविंद केजरीवाल की गुजरात में रैली देखी। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के चौथे दिन गुजरात में आते हैं, अरविंद केजरीवाल दोनों रोड शो करते हैं। तो ये लोगों ने जो शुरुआत की थी बहुत जल्दी कर दी, शायद क्योंकि वो खरगोश वाली जो कहानी है, कछुआ और खरगोश वाली, वो कहीं नज़र आ रही कि शुरुआत में बहुत दौड़ लिया लेकिन फिर वो इतने थक गए कि पीछे मुड़कर, मतलब उनको ये लगा कि हम लोग आगे हैं। शायद एक वजह ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि दिल्ली में प्रचार करना, पंजाब में प्रचार करना और गुजरात में प्रचार करना, वो गुजरात जो पूर्णतः रूप से सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, क्या वजह है उसकी? हिंदुत्व, यहाँ पर जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, वो जो लैब है हिंदुत्व का, वो सबसे ज़्यादा मजबूत लैब है गुजरात। लैब मतलब कि प्रयोग होता है, यहाँ तो प्रयोग है ही नहीं, क्योंकि गुजरात ने देश में पहली बीजेपी की बैठक जब 2 मिली थी तो लोकसभा क्षेत्र महसाणा से जीत कर दी थी। यानी कि बीजेपी की जड़ें जो हैं वो पहले से गुजरात में मजबूत हो चुकी थी। उसके बाद में केशुभाई आए और फिर जब नरेंद्र भाई आए तो जो जड़ें मजबूत हो गई थी, छोटा सा प्लांट था वो वटवृक्ष बन चुका था, बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था, उनकी काफ़ी सारी डालियाँ भी नीचे तक आ चुकी थी। तो बीजेपी पहले से स्ट्रांग थी और बीजेपी को पहले से आइडिया है कि हम लोग गुजरात में जो भी करेंगे गुजरात के लोग, अधिकांश लोग उसको स्वीकार लेते हैं। समझो वाइब्रेंट गुजरात एक नया प्रयोग था, वो उद्योग से जुड़ा था, लेकिन बीजेपी को सीधा उसका फायदा मिला। तो आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी फिर से अपना जो पुराना रिकॉर्ड है उसको तोड़कर आगे बढ़ेगी? देखिए जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो तो इसी प्रकार के आ रहे हैं कि बीजेपी अपने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार का कैलकुलेशन सीआर पाटिल करते हैं, मुझे भी याद है गांधीनगर के भी उन्होंने बताया था कि 38 से नीचे एक सीट नहीं आती, और सीआर पाटिल जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन क्या होगा? मैं जो समझ रहा हूँ वो 151 होगी, भले ही बीजेपी के रिकॉर्ड की बात होती हो, लेकिन उनके दिल दिमाग में जो है वो कांग्रेस का माधव सिंह वाला रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात है। क्योंकि सीआर पाटिल के बारे में मैं एक लाइन बता दूं, वो चुनौती को स्वीकार सिर्फ स्वीकारता नहीं, चुनौती को तलाशने वाला बंदा होता है। एक लाइन में जो सूरत के लोग जानते हैं, ये जानते हैं कि सीआर पाटिल के खुद के लाइफ के जो गोल हैं वो प्रैक्टिकल है, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल गोल हैं वो इनप्रैक्टिकल होते हैं, जिसको प्रैक्टिकल साबित करते हैं तब जाके लगता है कि भले ही सर्वे जो भी आते हो, लेकिन वो बंदा वो जज्बा रखता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है। और रौनक पटेल के साथ ये बातचीत, कल फिर नए किसी एंगल पर गुजरात के चुनावी चक्रव्यूह पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।